ने पुत्र से कहा, तुझे एक खुशखबरी सुनाओ, तेरा छोटा भाई हुआ है। बेटी ने खुश होकर कहा, अच्छा ठहरिए, मैं माँ को भी बता आऊं। छात्र अपने दोस्त से, यार धोखा हो गया। दोस्तों ने कहा, क्या हो गया? छात्र बोला, किताबों के लिए पैसे मंगवाए थे, घर वाले ने किताब ही भेज दी। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से अमीर आदमी भी मेरे पिताजी के आगे कटोरे लेके खड़ा रहता है। गर्लफ्रेंड, फिर तो तुम्हारे पिताजी बहुत अमीर होंगे। लड़का, नहीं, वह गोलगप्पा बेचते हैं। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ चाकू से मेरे पैर की उंगली कट गई है, खून निकल रहा है। माँ ने कहा, तो खून रुकने तक बाहर ठहरे रहो, मैंने अभी अभी फर्श साफ किया है। दर्शक, नेताजी आप बहुत लंबा भाषण दे चुके, नेताजी क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा, दरअसल मैं आज अपने हाथ में घड़ी नहीं पहना था। दर्शक, नेताजी आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। बेटा, पिताजी इतनी सर्दी में मैं केवल 2 बार गर्म पानी से नहाया हूँ। पिताजी, तो बाकी दिन ठंडे पानी से नहाए हो क्या? बेटा, नहीं, बाकी दिन मैं नहाया ही नहीं। अध्यापक ने छात्र से कहा, आज रात में मेरे घर में शेर घुस आया था, मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तब वह डर की वजह से भाग खड़ा हुआ। छात्र, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वह खांसता हुआ मेरे पिताजी से खांसी की दवा मांग रहा था। महिला, डॉक्टर साहब एक्सरे करवाना है। डॉक्टर महिला से, ठीक है तैयार हो जाओ। महिला, पर डॉक्टर साहब एक्सरे कैसे करते हैं? डॉक्टर, फोटो खींचते हैं ठीक उसी तरह। महिला, ठीक है, मैं अभी मेकअप करके आती हूँ। लड़का और लड़की एक रेस्टोरेंट में गए। वेटर, मैम आप कुछ लेंगे? लड़की, भैया एक सब्जी वाली रोटी लाना। वेटर, क्या? लड़का, गांव से आई है, पिज्जा मांग रही है। एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चे से, अगर दिन में सूरज ना निकले तो क्या होगा? दूसरा बच्चा, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। भीख मांगने का तरीका फकीर का, 1 रुपया दे दो बाबा। आदमी, शर्म नहीं आती? इतने हट्ठे कट्ठे नौजवान हो, काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? फकीर, अच्छा फिर अपनी बहन ही का रिश्ता ही दे दो। अनाथालय संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ, श्रीमान मैं अपने 4 बच्चे को अनाथालय में भिजवा दूंगा। ट्रैफिक पुलिस, इस पीली रेखा का मतलब है कि यहाँ पर कार खड़ी करना सख्त मना है। महिला, मगर पिछले चौराहे पर तो 2 पीली रेखा है। पुलिस, इसका मतलब है वहाँ कार खड़ी करना सख्त से सख्त मना है। श्याम, आपकी हॉबी क्या है? राम, घुड़सवारी। श्याम, पिछली बार कब घोड़े पर बैठे थे? राम, कबीर 4 वर्ष पहले अपनी शादी के वर्ष पर। आपकी पत्नी क्यों भाग गई? मिंटू, पता नहीं, मैं बाथरूम में नहाने गया और वो भाग गई। चिंटू, लगता है ऐसे मौके के लिए बेचारी सालों से इंतजार कर रही थी। चिंटू, तुमने कोई 3D मूवी देखी है? मिंटू, हाँ। चिंटू, कौन सी? मिंटू, दिन दहाड़े डकैती। सोनू, यार मैं अगर गधा होता तो क्या तुम भी दोस्ती के खातिर गधे बन जाते? मोनू, गधा तो नहीं बनता, पर दोस्ती के खातिर तुम्हें घास जरूर खिलाता। लड़की जल्दी जल्दी चलकर आई और टैक्सी में बैठकर बोली, ड्राइवर जल्दी टैक्सी भगाओ, मुझे जरूरी काम है। ड्राइवर, पर मैम साहब यह तो मेरी टैक्सी है, इसे क्यों भगाओ? लड़की गुस्से से चीखी, तो मुझे ही भगा कर ले चलो। महिला, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान के विक्रेता से,
कहा, मुझे हरे रंग की लिपस्टिक चाहिए। विक्रेता, हरा ही क्यों, इस रंग की लिपस्टिक होठों पर भद्दी लगेगी। महिला, दरअसल बात यह है, मेरे प्रेमी रेलगाड़ी के गार्ड हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है, वह जेल जाएगा। पुत्र, माँ मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पापा का बीमा हो चुका है। बच्चा, क्या आपके पास खटमल मारने की दवा है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तब ठीक है, मैं घर से सारे खटमल लेकर अभी आता हूँ। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे, कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दो बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। सुनील भिखारी से, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मेरे साथ चलो, 10 रुपया दूंगा। भिखारी, हजूर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 20 रुपया दूंगा। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर, खरगोश से क्या लेकर आऊँ? और शेर के लिए। खरगोश, एक प्लेट सलाद। वेटर, क्या साहब को आज भूख नहीं है? खरगोश, इन्हें भूख होती है तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? कमल, दुनिया ना तो गोल है ना चपटी। मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं दुनिया 420 है। भिखारी, कुछ पैसे दे दो। माँ जी, बुढ़िया, लो यह 1 रुपया ले लो। भिखारी, 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो भीख तो मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद भी तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? भिखारी, साहब 50 पैसे दे दो, कुछ खा लूँगा। साहब, शर्म नहीं आती तुझे, सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो? भिखारी, तो क्या दफ्तर खोल लूँ? अनाथालय से संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ श्रीमान से, अपने चारों बच्चों को अनाथालय में भेजूंगा। एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। सास बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, इसको बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू, कह रही थी आप बहुत भली औरत हैं। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिख रहा है। दुकानदार को कोई चीज लेने के लिए भीतर भेजकर ग्राहक रखी नारियल की बोरी में से एक नारियल चोरी से थैले में खिसका लिया और बाहर से पूछा, क्यों सेठ आजकल मिर्च का क्या भाव है? दुकानदार, भीतर से ही, नारियल आजकल 6 रुपये का है, मिर्च का भाव बाहर आकर बताता हूँ। सामने से बस आ रही थी, एक महिला हाथ का इशारा करके बस रुकवाई। ड्राइवर बोला, बहन जी जल्दी कीजिए, आपको कहाँ जाना है? महिला, जाना तो कहीं नहीं है, जरा सा बस का हॉर्न बजा देना, बच्चा जिद कर रहा है। नवविवाहित दंपति रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे,
गाड़ी एक लंबी सुरंग से गुजरी। जब सुरंग से बाहर आई तो पति ने कहा, मुझे मालूम था कि सुरंग इतनी लंबी है तो तुम्हारा चुंबन ही ले लेता। पत्नी, तो वह तुम नहीं थे? पत्नी ने आश्चर्य से कहा। एक महाशय की ससुराल गांव में थी। एक बार ससुराल पहुंचे और उन्होंने अपने साले साहब को एक बढ़िया किस्म की इत्र की शीशी भेंट में दी। साले साहब ने इत्र अपने हथेली पर डाला और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ससुर जी से शिकायत की। इस पर ससुर जी बोले, बड़ा नालायक है, घर में रोटी थी तो रोटी में लगा कर खा लेता। गब्बर, मच्छरों को मार दो सांभा। ठीक है। गब्बर, अरे मच्छर फिर भिन भिना रहे हैं। मारे नहीं सांभा, मच्छर तो मार दिए हैं, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो बिलाप कर रही हैं। मंगू, लगता है मुझसे कर्ज लेकर तुम भूल गए हो। मंगू, नहीं तो अगर भूल जाता तो तुम्हें देखकर मैं भागता क्यों। बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीबी और तीन बच्चे। बिल्लू और उसकी बीबी। बिल्ली एक ऑटो में बैठी थे, ड्राइवर ने शीशा एडजस्ट किया। बिल्लू चिल्लाए, साले मेरी बीवी को क्यों देखता है, चल पीछे बैठ, ऑटो मैं चलाऊंगा। स्कूल के आसपास ड्राइव स्लो का बोर्ड हमेशा लगा रहता है, लेकिन लड़कियों के कॉलेज के पास कभी नहीं, क्योंकि वहां तो गाड़ियां अपने आप ही धीमी हो जाती है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने बहुत बहादुरी की जो इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन कानून के खिलाफ आपने इसे इतना मारा पीटा क्यों। महिला, जनाब अंधेरे में मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि यह चोर है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने फिर इस चोर को कैसे पकड़ा। महिला, अंधेरे में मैंने गलती से अपना पति समझ लिया था। केवल दो प्रकार के आदमी स्त्रियों को नहीं समझ पाते, एक विवाहित और दूसरा कुंवारे। प्रेमी प्रेमिका से जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया प्रेमिका, परंतु प्रिय मैं एक बात में पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी, कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ये भी साफ किए देती हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ अपने दो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।